आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं एस्टीमल टैग वर्सेस एट्रीब्यूट वर्सेस एलिमेंट इन तीनों की डेफिनेशन इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये तीन कहाँ कहाँ पर यूज आते हैं और ये रियल वर्ल्ड में जब एक आप वेब पेज बनाते हो तो वो कहाँ कहाँ पर ये यूज आते हैं आपके एस्टिमल टैग एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट इनका एक अपने एग्जाम्पल बना के भी देखेंगे ये मैंने डेमो बना के रखा है एग्जाम्पल बना के देखें उससे पहले मैं आपको थ्योरी समझाना चाहता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होए फिर अपन उसका प्रैक्टिकल भी करने वालें प्रैक्टिकल करेंगे पूरा डिटेल में इसको समझेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहना आप ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको कहीं और जगह इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं इतना मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ एच के बारे में आपको डिटेल में इस चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपने इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं इन एच टी एम एल टैक्स एटीट्यूड्स एंड एलिमेंट्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेंट ऑफ ए वेब पेज एच एम एल में क्या होता है कि एक वेब पेज को बनाने के लिए आपको की जरूरत होती है। एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और वेब पेज में कंटेंट ऐड करने के लिए आपके टैक्स की जरूरत पड़ती है।, है वो एच डी एम एल डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके टैक्स का यूज करके अपने पूरा वेब पेज बनाते हैं टैग्स जो होते हैं वो वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और उस उसमें कॉन्टेंट भी एड करते हैं टैग्स आर इंक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स जो टैग्स होते हैं जो स्टार्ट और एंड होते हैं इस एंगल ब्रैकेट से ओके मोस्ट टैग्स कम्स इन पेयर ज़्यादातर टैग्स होते हैं एस में वो पेयर्स में ग्रुप में पेयर्स में आते हैं स्टार्ट टैग और एंड टैग ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो ये जो पी टैग है ये स्टार्ट टैग है ओपनिंग टैग है और ये जो पी टैग है जिसके अंदर ये एंगल ब्रैकेट्स और उसके बाद में ये जो स्लैस आता है फॉरवर्ड स्लैस आता है इसका मीनिंग हुआ कि वो एंड टैग है क्लोजिंग टैग बोलते हैं ये जो पी टैग है इसमें फॉरवर्ड स्लैस इसमें नहीं है एंगल ब्रैकेट्स पी एंगल ब्रैकेट्स दिस इज ओपनिंग टैग और जिसमें ये स्लैस आ गया इट मीनस इट इज क्लोजिंग टैग सम टैग्स आर सेल्फ क्लोजिंग एच में टैग्स दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं पेयर टैग दूसरे होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग पेयर टैग्स वो होते हैं जिसका स्टार्ट टैग होता है ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स वो होते हैं जिसमें क्लोजिंग टैग्स नहीं होता है जैसे कि इमेज टैग अब इमेज टैग में एंगल ब्रेकेट्स इमेज स्लैश एंड क्लोजिंग एंगल ब्रेकेट्स तो इसमें क्लोजिंग टैग्स नहीं है एक ही टैग्स में सब कुछ आ गया ऐसे टैग्स को अपन बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग ये एच वन टैक है जो एंगल ब्रेकेट से स्टार्ट हुआ एच वन टैग इसका ये ऑपनिंग टैग है और ये कॉन्टेंट है दिस दिस इज इज हेडिंग और ये है आपका क्लोजिंग टैग या फिर एंड टैग या फिर क्लोजिंग टैग जो कि फॉरवर्ड स्लैश जिसमें होता है वो एंड टैग होता है या क्लोजिंग टैग होता है इसी प्रकार ये पी टैग है जिसका ये स्टार्टिंग या ऑपनिंग टैग है और ये है इसका क्लोजिंग टैग अब अपने बात करते हैं एच डीम एल एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और

या फिर उसके एच टी एम एल टैग के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं जैसे कि ये इमेज टैग है इसमें जो एस आर सी है ये एक एट्रीब्यूट है ये जो ऑल्ट है ये एक एट्रीब्यूट है और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो की वैल्यू पेयर में आते हैं जो एस आर सी है वो की है और ये जो इमेज डॉट जे पी जी है वो है वैल्यू है तो इस प्रकार आप एच टी एम एल टैक में एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो तो इस इमेज टैग में दो एट्रीब्यूट है कौन कौन से आप बताओ कमेंट करके तो चलिए आगे चलते हैं एच टी एम एल एलिमेंट्स An elements. an element is the combination of a start tag content end, and an end tag. essentially, an element is everything from the opening tag to the closing tag, including the content in between. self-closing tag, tags are also elements. for an example, start tag, opening tag, this is content, and this is closing tag. so complete this setup. Yeah, start tag, leke ye content, and एंड टैग क्लोजिंग टैग ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है उसको अपने एलिमेंट बोलते हैं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पी टैग है ये है ओपनिंग टैग ये है कंटेंट और ये जो है एंड क्लोजिंग टैग है इन तीनों को मिला के एक एलिमेंट बनता है ओके okay? तो उसको अपने एलिमेंट बोलते हैं देयर पी पी इज द स्टार्ट टैग दिस इज ए पैराग्राफ इज द कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग पी इज एंड टैग together they form a complete HTML element, another example of a self-closing element. In this case, image is a self-content element that does not have content in between tags, so ye aapka ek complete element ban gaya Okay, to ab chalte practical dekhte hain तो ये एक आपका web page बना के रखा हुआ है. इसको मैं browser में open कर लेता हूँ सबसे पहले. अपन ने definitions में पढ़ा था कि tags are the building block of HTML web page. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका वेब पेज है इसका बिल्डिंग ब्लॉक यानी इस वेब पेज को बिल्ड बनाने के लिए आपको एस टीम एल टैक्स की ज़रूरत पड़ती है तो सब कुछ एस टीम एल में टैग सही होता है तो अब ये वेब पेज है इसमें ये जो एस टीम एल ये खुद टैग है ये हेड है ये टैग है ये मेटा टैग है ये एच वन टैग है इमेज टैग है तो सब कुछ एस टीम एल में टैग से होता है ये जो बटन है वो भी टैग है तो टैक्स आता बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एस टीम एल ओके okay. अब टैग्स दो टाइप्स के होते हैं पहले होते हैं जो पेयर टैग जो पेयर में आते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग फॉर एन एग्जाम्पल ये जो एच वन टैग है इसका ये ओपनिंग टैग है और इस एच वन टैग का ये क्लोजिंग टैग है उसको बोलते हैं पेयर टैग टेक. ऐसे टैग्स को बोलते हैं पेयर टैग पेयर मीन्स जो कॉम्बिनेशन में आते हैं जिसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है दूसरे टाइप का टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता उसका जो ओपनिंग टैग होता है उसी के अंदर वो क्लोज हो जाता है फॉर एन एग्जाम्पल ये जो इमेज टैग है इसका ही ओपनिंग टैग है इसके अंदर ही एस आर सी एट्रीब्यूट लगाए और ऑल्ट टी एट्रीब्यूट लगाए और इसी ओपनिंग टैग में ये क्लोज हो गया इसको देखे आप अपने स्लैस लगा दिया फॉरवर्ड इसका मेन ये ओपनिंग टैग में ही क्लोज हो गया तो एच डी एम एल में दो टाइप के टैग होते हैं पेयर टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग सेल्फ पेयर टैग के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बट सेल्फ़ क्लोजिंग टैग के एग्ज़ाम्पल आपको ये इमेज है फिर आपका बी आर है ये भी है कि आपका सेल्फ़ क्लोजिंग टैग का एग्जाम्पल हो गया ओके okay, तो ऐसे सेल्फ़ क्लोजिंग टैग भी काफ़ी होते हैं अब अपने बात करते हैं एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट वो होते हैं जो एसटीमल टैग्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर उसके एसटीमल टैग के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं अब समझते हैं कि अभी इमेज है इमेज का एट्रीब्यूट हुआ एस आर सी और एट्रीब्यूट हमेशा की वैल्यू पेयर में आते हैं तो आप देख सकते हो कि एस आर से उसका एट्रीब्यूट हुआ और एल्ट भी उसका एट्रीब्यूट हुआ एच वन पे आईडी है वो भी एट्रीब्यूट है अब अपने बात करते हैं एलिमेंट्स की एलिमेंट वो होता है जो कॉम्बिनेशन होता है ओपनिंग टैग का कॉन्टेंट का और क्लोजिंग टैग का इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों को मिला के एक एलिमेंट बनता है इस प्रकार आप एलिमेंट को समझ सकते हो एलिमेंट होता है वो कंप्लीट सेट होता है ओपनिंग टैग कंटेंट और क्लोजिंग टैग इन तीनों को मिलाते तब एक एलिमेंट बनता है जैसे कि एच वन इसका ओपनिंग टैग है ये इसका कॉन्टेंट है और ये इसका क्लोजिंग टैग है तो इन तीनों को स्टार्ट से लेके एंड तक इसको कंप्लीट सेट जो होता है ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक उसको एक एलिमेंट बोलते हैं तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ये जो बॉडी टैग है इस बॉडी टैग में कितने एलिमेंट है ओके okay, कमेंट करके बताओ मुझे यहाँ पर वीडियो को पोज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इस बॉडी टैग के अंदर कितने एलिमेंट हैं और मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज रेडी की है सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि ये बटन है वो कौन से टाइप का टैग है सेल्फ क्लोजिंग या फिर पेयर टैग दूसरा इसमें एट्रीब्यूट कितने हैं और कौन कौन से हैं वो मुझे बताए ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं एस्टिमेल टैग वर्सेज़ एट्रीब्यूट वर्सेज एलिमेंट अगर समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ नहीं आया है, तो भी कमेंट करके बताओ इसको और डिटेल में समझने के या फिर इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है ओके और कोई क्वेरी है और कोई डाउट है एसटीम एल सी एस एस के रिलेटेड तो भी कमेंट करके ज़रूर बता आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो को यहाँ से क्लोज़ करें उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और एकस, इस एक्सरसाइज का कमेंट जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गाइस